YouTube channel Sudeep Online Classes. Here I would like to talk about apiculture. Apiculture क्या होता है और इसे हम बी कीपिंग भी बोलते हैं. एपिकल्चर क्या होता है, देखो बच्चों, जो हनी बीज होती हैं, मधुमक्खियां होती हैं, उसे हम पालते हैं और उसकी केयर करते हैं और उससे हम हनी बी, हनी और बी वैक्स ऑब्टेन करते हैं. उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एपिकल्चर. जो बहुत ही ज्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें मैंने तीन जो मतलब जैसे हम बोलते हैं कि एक परिवार में कौन कौन होता है, कौन कौन सदस्य होते हैं, जैसे दादा दादी माता पिता, उसी तरह ये इनका एक छत्ता होता है. जैसे आप देखते हैं कि सम टाइम क्या होता है कि पेड़ों, सम टाइम नहीं, ये तो बहुत मोस्टली जो हम देखते हैं कि जो नेचुरली इसका एक जो इसका हाइव होता है, छत्ते को हम हाइव बोलते हैं, और जो हाइव होता है वो पेड़ों पे लगा हुआ होता है. और इसमें जो इसका सम टाइम तो ये ऐसे लगा होता है, सम टाइम क्या करते हैं कि इसका आर्टिफिशियल जो वुडन बॉक्स होता है उसे हम देखते हैं कि सम टाइम वो कई लोग इसे पालते हैं, ठीक है, उसे हम एपिकल्चर बोलते हैं. और जैसे मैंने बात की कि एक एक फैमिली में जैसे मेंबर होते हैं, उसी तरह इन छत्तों में इसका एक घर होता है. जैसे कि हम फॉर एग्जांपल मतलब घर घर की तरह है कि एक क्यून होती है, जैसे हेड होती है, ये हेड क्यून होती है, रानी होती है. ये एक पूरे छत्ते में इतनी मधुमक्खियों के बीच में ये एक ही होगी. और ये क्या करती है, ये फर्टाइल फीमेल है, ठीक है. और ये क्या ले करती है, फर्टिलाइज्ड एंड अनफर्टिलाइज्ड एग, ठीक है. और इसमें एक ड्रोन होती है, ड्रोन्स होती हैं, जो ड्रोन्स होती हैं वो फर्टाइल मेल्स होती हैं, ठीक है. जो फर्टाइल मेल्स होती हैं ये बहुत कम नंबर में होती हैं और हैप्लॉइड इंडिविजुअल बाय द पार्थोजीनियस एंड मेट विद क्यून, कि ये कम नंबर में होती हैं और ये हैप्लॉइड इंडिविजुअल होती हैं, ये डिवेलप होती हैं बाय द पार्थोजीनियस प्रोसेस में. मैं आपको आगे डिस्कस कराऊंगी कि जो पार्थोजेनिस प्रोसेस होता है वो क्या होता है. इसमें जो डेवलपमेंट होती है, एग की डेवलपमेंट होती है विदाउट फर्टिलाइजेशन. और आगे हम बात करते हैं कि जो वर्कर्स होती हैं वो क्या होती हैं. वर्कर्स होती हैं जो मतलब जो हनी को, जो नेक्टर को कलेक्ट करके लाती हैं, उसे हम वर्कर्स बोलते हैं, जैसे वो काम करती हैं. हमारा क्या होता है, जो बी कीपिंग होती हैं, जो अपन हनी बीज रखते हैं, उससे हमारी क्या होती है, अकेली पॉलिनेशन इंक्रीज होती है, उससे हमारा जो हनी निकाल सकते हैं हम, ठीक है. और इससे क्या होता है कि जो इसकी इम्पोर्टेंट स्पीसीज हैं, जो इसकी फोर इंपॉर्टेंट स्पीसीज हैं मधुमक्खी की, वो कौन कौन सी होती हैं. पहले हम करते हैं एप्स मेलिफेरा, जो एक एंटेलियन बी है, इसे हम पालते हैं और इसे हम आर्टिफिशियल में पालते हैं. और एक हमारा यहाँ एप्स एंडिका और एपिस डॉर्सेटा, जो एक इंडियन बी होती है, दूसरी जो होती है वो रॉक बी होती है. और एप्स फ्लोरिया जो होती है, लिटिल बी, बहुत छोटी भी होती है, इसे हम यूज करते हैं हनी निकालने के लिए. इसकी एक डिजीज होती है नोसेमा डिजीज और एक होती है एरिकिना डिजीज, जे हनी बीज की डिजीज होती है, ठीक है. ये होती हैं प्रोटोजोआ नोसेमा एपिस से, ये होती हैं एरेकापिस वुडी से. ये कॉमन डिजीज होती हैं. ये हमारा हुआ जो मेन प्रोसेस है एपिकल्चर में.